तो काइनेमेटिक्स का ये हमारा लेक्चर मुझे याद नहीं है कितना है, ठीक है, लेकिन हाँ पिछला लेक्चर मुझे याद है, लेक्चर नंबर नहीं याद, लेक्चर याद है। पिछला लेक्चर हमारा निकल के आया था डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये हमारा पिछला लेक्चर था, ठीक है। आज मैं आगे बढ़ रहा हूं, जब डेरिवेशंस करनी है तो आज मैं ग्राफ की तरफ मूव कर रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा ये हमारा, पूरी फिजिक्स ग्राफ के पीछे ही बातती फिरती नजर आएगी आपको, तो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आती है, ठीक है जी। ग्राफ के बीच में जो मेरा आज का टॉपिक निकल गया है, ग्राफ का टॉपिक जो होगा मेरा तीन पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है। एक तो एसटी ग्राफ्स निकल के आएंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलते हैं, एक वीटी ग्राफ्स निकल के आएंगे, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकल के आएंगे। तो यहां पर हम तीन टाइप्स के ग्राफ्स को स्टडी कर लेंगे इस पूरे ग्राफ के टॉपिक के बीच में, ठीक है। और मेरा आज का सेशन जो निकल के आएगा पर्टिकुलरली, वो निकल के आएगा एक्सटी ग्राफ्स के ऊपर। ये बाकी दो अलग अगले लेक्चर के बीच में करेंगे, ये मेरा आज का लेक्चर है, टुडेज लेक्चर मेरा इसके ऊपर निकल के आएगा कि इस ग्राफ को स्टडी करना है, एक्सटी ग्राफ को, कि एक्सटी ग्राफ हमें बताता क्या, क्या क्या पता चलेगा हमें एक्सटी ग्राफ के बीच में, ठीक है जी। अब ग्राफ्स को अगर समझना है तो ग्राफ्स को पहले स्लोप ऑफ द ग्राफ को समझना होगा, ठीक है। व्हेनेवर अगर आप कोई ग्राफ को प्लॉट करते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है, सपोज करिए एक स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट कर दिया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट कर दिया हमने, ठीक है। तो याद रखिएगा हमें ऐसे ग्राफ की स्लोप कैसे मिलती है, स्लोप होती है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। एक बात याद रखो, व्हेनेवर स्लोप की बात करें, व्हेनेवर आप ग्राफ के स्लोप की बात करते हैं तो वो निकल के आता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या निकल के आएगा, डिवाइडेड, इनका डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय y एक्सिस, ठीक है। या फिर अगर यहां पर मैं प्लॉट करूं ट्राइंगल, यहां पर मैं प्लॉट करूं अगर ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल का y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्राइंगल के x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए बी, ठीक है। तो यहां पर अगर ये एंगल देखूं थीटा डिग्री, तो ये tan थीटा किसके को निकल के आया, ये tan थीटा निकल के आ रहा है y अपॉन x। अरे यार स्लोप भी तो y अपॉन x ही निकल के आ रहा है। तो इन शॉर्ट tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ के इक्वल निकल के, tan थीटा किसके इक्वल निकल के आएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ के इक्वल निकल के आएगा। ध्यान से देख लो एक बार, मैंने ऐसे ही रेंडमली कोई एक्स वाई ग्राफ ले लिया, ठीक है, जिसमें मैंने स्लोप को पहले क्या बताया था, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होती है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अगर यहां पर मैं ट्राइंगल प्लॉट कर दूं, ठीक है, इमेजिन कर लूं यहां पर ट्राइंगल, तो tan थीटा ऑफ द ट्राइंगल निकल के आ रहा है वाई अपॉन एक्स। अरे यार स्लोप भी तो वाई अपॉन एक्स ही थी, तो मतलब tan थीटा हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ ए ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब थीटा की यहां पर प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ा ध्यान देना, ठीक है, थीटा विल ऑलवेज ठीक है, थीटा इज द एंगल, ऐसे लिख लो, नोट कर लो इसे, थीटा इज द एंगल, इज द एंगल ड्रॉन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ड्रॉन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिस तरफ मेरा पॉजिटिव ऑब्जेक्ट कर लो जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब है इस डायरेक्शन के अंदर, थीटा हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर ही बनाया जाएगा,
ठीक है, ये रूल है एक तरह से, अगर स्लोप को देखना tan थीटा, ठीक है, थीटा इज एन एंगल विद ड्रॉन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाओगे तो ग्राफ्स को एक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया या कोई भी ग्राफ हो गया, तो ग्राफ्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के शुरू करने से पहले तो ग्राफ के बारे में ये सारी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ग्राफ देता क्या हमें, ठीक है, ग्राफ हमें देता क्या, ठीक है। एक और बात बता दूंगा आपको, ठीक है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप हम तभी देखते हैं वाई वेन वी लुक फॉर ए स्लोप, हम स्लोप कब देखते हैं, तभी देखते हैं व्हेन दो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड होके, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आफ्टर डिवीजन गिव्स ए फिजिकल क्वांटिटी, गिव्स ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी, इस बात को याद रखो। ऐसे नहीं मूड आके किसी को भी कोई भी ग्राफ देखा उसने स्लोप निकालनी शुरू कर दी, नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं, पागल नहीं कि ग्राफ आया तो स्लोप निकालनी शुरू कर, नहीं 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 नहीं, चेक करो कि मेरी वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेता हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर अगर एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे यहां पर मालूम है स्लोप कैसे निकालूंगा, स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है वाई अपॉन एक्स, ठीक है, तो स्लोप यहां पर एस अपॉन टी निकल के आएगा, एस अपॉन टी क्या होती है, वेलोसिटी, मतलब यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड होने के बाद, ठीक है, एस और टी आपस में डिवाइड होने के बाद मुझे एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा, ठीक है। अगर डिवाइड होकर मुझे कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिल रही तब स्लोप नहीं देखते हम, तो हमें स्लोप के साथ कोई मतलब नहीं है फिर ग्राफ की, ठीक है, हमें फिर स्लोप के साथ कोई मतलब नहीं है ग्राफ की, ठीक है। तो यहां से फिर मैं एक बात और कंक्लूड करता हूं, ठीक है, अगर ग्राफ इस तरह से निकल गया, ग्राफ मेरा इस तरह से निकल गया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर हम मान के चले x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट मान के चले x2 कॉमा y2, ठीक है, तो ग्राफ को क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ को क्या कर सकते हैं, आगे प्लॉट कर सकते, ठीक है। फिर मुझे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आ रहे हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चाहे टेन थीटा देखो, अब इस केस के अंदर टेन थीटा मेरा किसके इक्वल निकल के आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। So, ऐसे केसेस में y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस लिखते जरूर है, लेकिन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 निकल जाती है मेरी स्लोप, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स्ट्रा प्लॉट किया, इसे रब कर दूं, ठीक है, इसे रब कर रहा हूं इस तरह से, ठीक है, तो ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकल के आ रहे हैं, इसे अलग से जो करते, क्योंकि मैंने क्या बताया एंगल हमें देखना है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो मैंने एक्स्ट्रा प्लॉट किया कि यार चेक तो करूं कि पहले ही मेरी ब्लैक कलर वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री, तो
मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ब्लू कलर की लाइन प्लॉट कर दी, इमेजिनरी लाइंस हैं ये सारे, तो हमें पता है ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं, तो मींस ब्लैक कलर की लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल तैयार करेगी, तो टेन थीटा अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा, y2 minus y1 upon x2 minus x2, ठीक है। अच्छा एक बात और, tan की वैल्यू अगर आप tan थीटा की वैल्यू देखें, ठीक है, tan थीटा tan 0 डिग्री पे होता है 0, tan 90 डिग्री पे होता है इंफिनिटी, इट मींस विद द इंक्रीज इन एंगल, इफ एंगल इंक्रीजेस, अगर एंगल इंक्रीज करता है तो टैन थीटा भी क्या करता है, इंक्रीज करेगा, तो स्लोप भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगा। अगर एंगल इंक्रीज करेगा तो टैन थीटा भी इंक्रीज करेगा, अगर टैन थीटा इंक्रीज करेगा तो मेरी स्लोप इंक्रीज करती है, ये बात को ध्यान में रखना, याद रखो इस बात को, क्योंकि टैन थीटा मेरा जीरो टू इंफिनिटी की तरफ जाता है अगर जीरो से 90 डिग्री देखो, ठीक है। तो मुद्दे की बातें ये निकल के आई, स्लोप मेरा होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1, और अगर स्लोप में अगर एंगल्स की हेल्प के साथ देखना है तो एंगल अगर ग्रेटर निकल के आएगा तो स्लोप भी ग्रेटर होगा, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन्हें एसटी ग्राफ भी बोल देते हैं, और कुछ बुक्स में एक्सट्री टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसे पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, कुछ बुक्स के अंदर इसे पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, इस तरह से निकल गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सट्री ग्राफ और एसटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ और पोजीशन डायग्राम, मतलब कुछ भी कैसे भी बता सकता हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा पेपर के बीच में कि हाँ यार फिक्स हो गया एक्सटी ग्राफ, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है एक्सटी ग्राफ से, एक्सटी ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं ये सिंपल, ये आ गया एस, ये आ गया टी, ठीक है, अगर इसे देख के चले तो यहां पर मेरे पास क्या निकल के आएगी, ठीक है, तो स्लोप यहां पर अगर ये बना लू थीटा डिग्री तो वो निकल के आ रहा है टेन थीटा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही निकल के आ रहा है, ठीक है। अब वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसी यही रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां पर अगर ये पोजीशन निकल के आ रही है तो यहां पर tan थीटा इस ग्राफ के अंदर किसे रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, tan थीटा इसे रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, मतलब स्लोप किसे रिप्रेजेंट कर रही है इसके अंदर, वेलोसिटी को, कैसे बताता हूं, ये निकल के आएगा s2 minus s1 upon t2 minus t1, यार डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन पोजीशन में से माइनस हो गए, कुछ ना कुछ पोजीशन ही देगी, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये यहां से निकल गया। तो इंपॉर्टेंस क्या निकल के आ रही है एक्सटी ग्राफ की, एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को समझो पहले, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्राफ के अंदर चेक करो जरा, अगर इस ग्राफ के अंदर दो बना दूं, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये एक्स एस आ गया, ये टी आ गया, ये थीटा वन आ गया, ये थीटा टू आ गया, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पुट करता हूं आपके सामने, इफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हूज वेलोसिटी इज ग्रेटर, ए की वेलोसिटी ग्रेटर निकल के आ रही है कि बी की वेलोसिटी ग्रेटर निकल के आ रही है, अब ग्राफ को देख के बताना, क्वेश्चन नोट कर लो, इफ इफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग द टू ऑब्जेक्ट्स इन द एसटी ग्राफ,
then which object will have greater velocity? Which object will have greater velocity? अब अगर इसके सॉल्यूशन को करना है, अगर इसके सॉल्यूशन को करना है तो कैसे करूंगा? सॉल्यूशन यहां से शुरू होगा एग्जाम में आपका सॉल्यूशन। पहले आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, पहले आप ग्राफ प्लॉट करोगे। अब ग्राफ प्लॉट करके तो आप वैल्यू बताओगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इन एसटी ग्राफ, इन एसटी ग्राफ टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देयरफॉर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ग्रेटर विल बी, कॉमा डाल के लिखो, ग्रेटर विल बी वेलोसिटी, ठीक है। अब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, tan थीटा क्या होता है? 0 से 90 डिग्री, तो tan की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज। इट मींस थीटा किसका बड़ा निकल गया? अब यहां से ध्यान से देखिए, देखो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अब यहां पर रीजन आ जाएगा फ्रॉम ग्राफ, ये ग्राफ में से पता चलेगा। इट मींस tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। अगर tan थीटा 2 ग्रेटर है तो v ग्रेटर निकल के आ जाएगी VA। तो इस तरह से मैं ग्राफ्स की हेल्प के साथ अपना आंसर लेके आऊंगा, ये मेरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन निकल के आएगी कि tan थीटा इन इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है इन एसटी ग्राफ। अब वी नो दैट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी। तो यहां से एंगल निकाला, एंगल देख के पता चल रहा है फिगर में से थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, रीजन दे दिया फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। अब tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, तो वहां से वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्या निकल गया। तो ये दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। एक अगली सिचुएशन के ऊपर आते हैं, नोट करते जाओ। अगली सिचुएशन है मेरे पास एक ग्राफ निकल गया, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से निकल गया, कुछ इस तरह से, ये चीज निकल गया। अरे लाइट गई हुई है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ये एसटी ग्राफ है, फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओए एबी एंड बीसी, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 10 और ये आपको दिया हुआ है, ये टाइम आपका निकल के आ रहा है अगेन 10 और ये टाइम आपका निकल के आ रहा है 50 और ये टाइम आपका निकल के आ रहा है 20 सेकंड्स में, ऐसा वो मीटर्स में होगा। और आपको वेलोसिटीज बतानी है कैसे कैसे निकल गया, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में जा रहा हूं। तो रीजन लिख लिया, रीजन ओए, अब रीजन ओए को देख रहा हूं, ठीक है। तो मुझे रीजन ओ के अंदर v1 वेलोसिटी है, अब v1 वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? स्लोप के इक्वल होती है, ठीक है। एक्सटी ग्राफ में अंदर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? स्लोप। अब स्लोप क्या, यहां पर एंगल तो गिवन नहीं है, यहां पर एंगल नहीं गिवन। अगर यहां पर एंगल नहीं गिवन तो मैंने स्लोप का एक और फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अगर एंगल ना गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या, ये वाला। तो मेरे स्लोप के दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, एक तो एंगल्स की टर्म्स में आता है, एक कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में आता है,
स्लोप के मेरे दो फॉर्मूलेस निकल के आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म में निकल के आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहां पर वाई टू क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मेरा वाई टू है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस, एक्स टू और वाई टू को रिप्रेजेंट कर रहा है ओए रीजन के अंदर, और ये ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वन और वाई वन को, चेक कर लो चाहे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, टेन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टेन माइनस जीरो, ठीक है, ये टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो को, वाई टू किसके इक्वल आ रहा है, टेन के इक्वल आ रहा है, और वाई वन क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल निकल गया। इसी तरह से एक्स टू किसके इक्वल आ रहा है, ये वाला पॉइंट, एक्स टू किसके इक्वल आ रहा है, टेन के इक्वल आ रहा है, एक्स वन क्या इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, तो वेलोसिटी मेरी क्या निकल गया, वन मीटर पर सेकंड। रीजन बी वन के बीच में, रीजन ओ ए के बीच में मेरी वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, माइनस वन के, वन के इक्वल निकल के आ रही है, किसके इक्वल निकल के आ रही है, वन के इक्वल निकल के आ रही है। इसी तरह से अगर मैं आगे फर्दर देखूं, इसे रब कर रहा हूं, आगे मैं फर्दर देखूं, आगे अगर फर्दर देखूं इसे अच्छी तरह से, ठीक है, अब रीजन उठा लिया हमने ए बी, ठीक है, अब रीजन उठा लिया ए बी, फिर से इसकी स्लोप को वी टू मान लिया। अब मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, वाई टू और वाई वन, अब ए और बी रिप्रेजेंट करेंगे वाई टू और वाई वन, तो ये तो यार सेम एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, टेन माइनस टेन डिवाइडेड बाय फिफ्टीन माइनस टेन, तो ये तो जीरो निकल के आ रहा है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, रेस्ट को, ए बी में क्या है, रेस्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेक कर लो चाहे, समझ में आ रही है बात, हाँ जी बेटा समझ में आ रही है बात, तो किस में कह रहे हो आप, ए बी में, मेरी बच्ची रेवा मैंने क्या बताया था, अगर एंगल्स गिवन हो, टेन, मेरे पास स्लोप के दो फॉर्मूलेस हैं, एक तो टेन थीटा के साथ फॉर्मूला है, एक कोऑर्डिनेट्स के साथ फॉर्मूला है, यहां पर एंगल्स तो गिवन नहीं है, तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प के साथ ही निकालूंगा, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, टेन कॉमा टेन, वेयर एज बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, फिफ्टीन कॉमा टेन, इसी तरह से आ रहे हैं ना रेवा, ग्राफ को अच्छी तरह से देखो, कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं ना आपको रेवा, कोऑर्डिनेट समझ में आए कि मैं लिखूं, आगे ना, तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल गया था स्लोप का, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया यहां पर, वाई टू और वाई वन टेन टेन आ रहे हैं, तो न्यूमिनेटर जीरो हो गया, अगर न्यूमिनेटर जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है रेवा, आप समझ में आई बात, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हुए जा रहे, ठीक है, अगला निकल के आ रहा बीसी, फिर से वही चीज, बीसी के लिए भी मैंने वही चीज करनी है जो बाकी दो के लिए, ठीक है, अब बीसी के रीजन बीसी के अंदर वेलोसिटी मान ली V3, ये V3, अब बीसी के अंदर क्या निकल के आ रहा है, Y2 C के कोऑर्डिनेट्स, ये C के कोऑर्डिनेट्स Y2 और X2 बन के निकलेंगे, अब C किसके इक्वल आ रहा है, 15 एक्स एक्सिस में देखा, तो ये सी क्या निकल के आ रहा है, 15, ठीक है, मैंने शो कर दिया, और वाई वन क्या निकल के आ रहा है, बी की पोजीशन 10, टाइम क्या निकल के आ रहा है, एक्स टू निकल के आ रहा है 20, रीजन कौन सा देखना है, सिर्फ बीसी देखना, तो ये कौन सा निकल के आया, 15, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 अगेन मेरा 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो ये मेरा V3 निकल के आ रहा है।
तो अगर एंगल गिवन है तो एंगल्स की टर्म में स्लोप निकालनी है, अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प के साथ स्लोप निकालनी है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प के साथ स्लोप। ठीक है, अच्छा अगले में अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे डिस्कस करने वाला, ये क्या निकल के आ रहा है, मेरी कर्व निकल के आ रही है इस तरह से, इस तरह से कर्व निकल के आ रही है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है वेलोसिटी कब कब पॉजिटिव निकल के आती है। अब वेलोसिटी अगर चेक करनी है कब कब पॉजिटिव निकल के आती है, तो मैंने क्या बोला, आप हमेशा क्या बनोगे, जिस पॉइंट के ऊपर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, उस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सपोज करो इस पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये एंगल देखो, अब ये एंगल चेक करो, मैंने पहले ही बोला कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में होना चाहिए एंगल, ये एंगल मेरा क्या निकल के आ रहा है, एक्यूट, तो थीटा निकल के आ रहा है लेस देन 90 डिग्री, थीटा निकल के आ रहा है लेस देन 90 डिग्री। अब जब भी एंगल थीटा निकल के आएगा तो याद रखिएगा वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, एक्यूट निकल के आएगा, तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या निकल के आने वाली है, तब पॉजिटिव निकल के आएगा। व्हेन एंगुलर एंगल मेरा थीटा लेस देन 90 डिग्री निकल के आएगा तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब थीटा अगर इंक्रीज करता है, थीटा अगर इंक्रीज करता है तो मेरी स्लोप भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर स्लोप इंक्रीज करती है तो याद रखो मेरी वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज, लेकिन टिल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तब तक करता है जब तक थीटा मेरा लेस देन 90 डिग्री, तब तक करेगा जब थीटा, हाँ जी सर, एक बार दोबारा समझा दो, अगर मेरी स्लो वेलोसिटी पॉजिटिव कब निकल के आती है, एसटी ग्राफ के बीच में, अगर थीटा क्या निकल के आएगा, एक्यूट एंगल निकल के आएगा, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव, याद रख लो इस बात को। ठीक है, लेकिन अब भाई एक्यूट एंगल भी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही है ना, अगर 0 से 90 डिग्री के बीच बीच में लाए कर रहा है, थीटा अगर इंक्रीज करेगा स्लोप भी इंक्रीज करेगी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, लेकिन ये तब तक निकल के आएगा जब तक वो 0 से 90 डिग्री के बीच बीच में रहेगा एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री से आगे चला गया, ठीक है, फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर 90 डिग्री से आगे चला गया फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, अच्छा यहां पर एक, हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है, ठीक है। अब यहीं से अगर आप चेक करो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बात याद ध्यान से सुनो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इट मींस एक्सेलरेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, याद रख लो रिलेशन, व्हेनेवर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इट मींस एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, एक फोर्स, फोर्स नहीं प्रोड्यूस करना होता है एक्सेलरेशन, एक फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है, सो एक्सेलरेशन भी क्या करती है फिर मेरी इंक्रीज करती है, एक्सेलरेशन भी क्या करती है मेरी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इस केस के अंदर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, ये बात याद रखिए इस केस के अंदर, जब तक वो एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी मेरी या तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी या एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यहां पर एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी और क्या होगी, कांस्टेंट, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक
ठीक है, लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करें, चाहे इंक्रीज कर रही है चाहे कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की क्या होगी, सेम की सेम निकल जाएगी इस केस के अंदर। बात को ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन मेरी क्या निकल के आएगी, सेम के सेम निकल जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं निकल रहा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। देन एक अगला केस लेते हैं, ठीक है, एक अगला केस लेते हैं। अब दिस टाइम मैंने क्या किया, ये वाला केस ले, इस तरह से निकल गया, ठीक है। अब ये एस है, ये टी है, ये एस है, ये टी है, ठीक है। अब इस केस के अंदर मेरा एंगल निकल के आ रहा है थीटा वन, इस केस के अंदर एंगल निकल के आ रहा है थीटा टू, इस केस के अंदर एंगल निकल के आ रहा है थीटा थ्री, ऐसे निकल गया। ठीक है, अब एक बात तो देख के ही पता चल रही है कि थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री, ये है सारे के सारे इक्विटी हैं, ठीक है। अब इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मुझे बताना है कि कौन से केस के अंदर, ठीक है, इन केसेस को देख के अगर बताना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज दिस ग्राफ वाई वॉन्ट टू कंक्लूड कि मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकल के आ रही है कि नेगेटिव निकल के आ रही है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज ग्राफ्स दीज एंगल्स आई वॉन्ट टू कंक्लूड कि मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकल के आ रही है कि नेगेटिव निकल के आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने अभी तक क्या आपको क्या बताया, अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी तो क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी। एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी। दूसरा सेकेंड केस, अगर एंगल मेरा डिक्रीज कर रहा है, आप चेक करो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, थीटा टू क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, अगली पोजीशन में अगली टाइमिंग है थीटा थ्री क्या कर गया, डिक्रीज। एंगल अगर मेरा डिक्रीज कर रहा है, ऑल्दो वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल एक्यूट है, वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एंगल मेरा क्या है, एक्यूट है। लेकिन अगर थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री को देखो तो मेरा एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंगल क्या कर रहा है मेरा, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर एंगल डिक्रीज कर रहा है तो याद रखिएगा वेलोसिटी भी, वेलोसिटी पॉजिटिव होना और वेलोसिटी डिक्रीज होना दो अलग अलग बातें हैं, तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, मेरी डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैंने क्या कंक्लूड किया, ये वाले पॉइंट से ग्राफ को देख के मैंने क्या कंक्लूड किया कि एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ मुझे इतनी इंपॉर्टेंस बता के चल रहा है, ग्राफ मुझे इतना कुछ बता के चल रहा है, चेक कर लो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार, ठीक है। पहले नोट कर लो, फ्यू सेकंड्स का टाइम लगे इसे नोट कर लो, तब तक पानी पी लूं, गर्मी बहुत है।
तो मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ एक बात, ठीक है, दोनों ग्राफ्स के बीच में कुछ बातें मैं रिलेट करते हुए आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफ को स्टडी कैसे करना है, ग्राफ्स हमें क्या क्या बताते हैं, कैसे कैसे बताते हैं, स्टडी कैसे करना है ग्राफ्स को, यहाँ पर यह बात कर ली हमारी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, सारी डिस्कशन के बीच में मुझे समझ में आया कि ग्राफ्स क्या बता रहे हैं, ग्राफ्स के बीच में मुझे एंगल्स देख के चलने हैं। एक्यूट एंगल है तो वेलोसिटी पॉजिटिव जरूर होगी, बट अगर एंगल डिक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या कर रही है, पॉजिटिव जरूर है लेकिन डिक्रीज करती जा रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है वेलोसिटी को, व्हेयरएज अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की तरफ जाओ, यहां पर ये वाला एंगल मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंगल अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी, ऑल्दो वेलोसिटी एंगल एक्यूट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एंगल लेकिन अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। अब यहां पर एक्सेलरेशन मैंने बोल तो जरूर दिया डिक्रीज कर रही है, यहां पर ऑप्शन कांस्टेंट का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा होगी ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। तो दो पॉइंट्स यहां पर निकल के आ रहे हैं, एंगल अगर एक्यूट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, दूसरा एंगल्स अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकल के आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यूज अलग अलग निकल के आएंगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस अलग अलग निकल के आएंगी। मैंने यह समझाया अब तक, ठीक है जी। देन आगे अगला केस मेरा निकल के आ रहा है, कि अगर कंकेव अपवर्ड, अगर कंकेव अपवर्ड निकल के आ रहा है मेरे पास तो याद रखिएगा, ठीक है, अगर कंकेव अपवर्ड है तो इस बात में याद रखिएगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, कंकेव अपवर्ड, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है, मोर ओवर एक्सेलरेशन इसमें क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर स्पीड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, स्पीड किसे रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड, स्पीड क्या निकल के आएगी, इंक्रीजिंग निकल के आएगी इस ग्राफ के अंदर, कंकेव अपवर्ड ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, तो स्पीड क्या करेगी मेरी, इंक्रीज, नोट कर लो इस बात। इसी तरह से इस ग्राफ के अंदर जहां पर कंकेव डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन इसमें क्या निकल के आती है, नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या निकल के आती है, नेगेटिव, तो मतलब velocity and acceleration are in opposite directions, ये opposite directions में निकल गया। अगर ये opposite directions में निकल के आ रही है तो speed क्या निकल के आएगी मेरी, decreasing, speed क्या निकल के आएगी मेरी, decreasing, speed क्या निकल के आएगी, decreasing, ये बात को याद रखो। ठीक है, सम करते हैं, एक सम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अगर ये ग्राफ निकल के आ रहा है इस तरह से, ये ऐसा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है इस तरह से, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, अगर ग्राफ ये निकल के आ रहा है, ठीक है, फाइंड वेदर स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाइंड वेदर स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दिस ग्राफ, आपको ये चेक करके बताना इंक्रीजिंग निकल के आ रही है कि डिक्रीजिंग निकल के आ रही है।
ठीक है, इंक्रीजिंग निकल के आ रही है कि डिक्रीजिंग निकल के आ रही है, तनिक सोच के बताइए। तो किससे पूछे, हनी बेटा जी सबसे पहले तो चेक करके देखो वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव निकल के आ रही है। अब वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेलोसिटी के लिए रफली किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या साथ क्या तैयार कर रहा है, थीटा डिग्री का एंगल तैयार कर रहा है। अगर टेंजेंट को देख के चले तो एक्स एक्सिस के साथ क्या तैयार कर रहा है, थीटा डिग्री का एंगल तैयार कर रहा है, आपके सामने शो कर दिया। अब ये थीटा डिग्री का एंगल आप चेक करो, थीटा क्या निकल गया है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, नेगेटिव। वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, नेगेटिव। एवरी टाइम चेक करने का मेथड बता दो। देन कर्व, कर्व चेक करो, कंकेव अपवर्ड निकल के आ रही है, कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में है। कर्व चेक करो तो कर्व निकल के आ रही है कंकेव अपवर्ड, कंकेव अपवर्ड में एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव। अभी बताया मैंने एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव। और यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या करती है मेरी, डिक्रीज करती है। स्पीड क्या करती है मेरी, डिक्रीज करती है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया सभी को? तो सबसे पहले वेलोसिटी का चेक करके देखिए कि पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। देन वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ होगा, टेन थीटा की हेल्प के साथ होगा। फिर कर्व की डायरेक्शन देखिए, कंकेव अपवर्ड है कि कंकेव डाउनवर्ड है। अगर कंकेव अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकल गया। अगर अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या करती है, डिक्रीज करती है। स्पीड क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आप करिएगा इस बार से। मेरे पास ये निकल के आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से निकल के आ रहा है। चेक करिए वेदर स्पीड इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, अगेन क्या करूंगा, यहां पर रफली प्लॉट करके देख लेंगे। और जब मैंने प्लॉट करके देखा तो ये एंगल देखा, एंगल देखते ही पता चला कि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, नेगेटिव। देन अब ये कंकेव डाउनवर्ड है, कंकेव डाउनवर्ड, कंकेव डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव। अब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, अरे ये नेगेटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ना, डायरेक्शंस नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ यहां पे डायरेक्शंस बता रही है मुझे। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गए तब भी सेम डायरेक्शन है, दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए तब भी सेम डायरेक्शन है। और जब भी सेम डायरेक्शंस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की निकल के आएंगी तो स्पीड क्या करती है मेरी, इंक्रीज करती है। इस केस में स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इस केस में मेरी स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हाँ जी, बेटा टेंजेंट के एंगल को मैंने बताया कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाना हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब एवरी टाइम अगर टेंजेंट ड्रॉ करना होता ना तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहां से पॉइंट लिख के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, बस ये देखना होता, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मार्कर रखिए, पेन रखिए और उसे प्लॉट कर दो इस डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस निकल गया।
ठीक है, चलिए एंड की तरफ जा रहे हैं अब लेसन के। अगर इन केस ठीक है मेरे पास ये कर्व निकल गया, अब भाई आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में ये कर्व आ गई थी पोजीशन टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है, तो मुझे बताना था फाइंड पॉइंट्स वेयर वेलोसिटी इज जीरो। इसके बीच में मुझे पॉइंट्स ने बताना था जहां पर वेलोसिटी जीरो निकल गया। तो याद रखिएगा एक बात को, व्हेन एवर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल निकल के आ गए, ठीक है, टेंजेंट जिस जिस पॉइंट्स के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल निकल के आ गया, ठीक है, टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकल के आ गया एस टी ग्राफ के अंदर, तो वेलोसिटी क्या निकल के आती है, जीरो निकल के आती है, ठीक है। अब वो मेरा ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के ऊपर ही पैरेलल आ रहा है, बाकी किसी में पैरेलल नहीं निकल गया टेंजेंट। तो यहां पर मेरे दो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, टू पॉइंट्स आर देयर वेयर वेलोसिटी इज जीरो, ए एंड बी, ठीक है, एक बात समझ में आ रही है। अगर वेलोसिटी टाइम, अगर वेलोसिटी हमें वेब चेक करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किस किस पॉइंट्स के ऊपर जीरो निकल के आ रही है, तो हमें चेक करना है कि उसका टेंजेंट पैरेलल कब कब निकल के आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकल के आ गया तो वेलोसिटी जीरो होगी, सीधा मतलब है टेन जीरो हो गया, एंगल जीरो डिग्री निकल के आ रहा है, टेन जीरो डिग्री मतलब वेलोसिटी जीरो, टेन जीरो डिग्री मतलब वेलोसिटी जीरो, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कल हम अगले सेशन की तरफ जाएंगे फिर। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है इज दिस ग्राफ पॉसिबल, अब अगर मैंने राउंड बना दिया इट डजंट मीन के बॉडी सर्कुलेशन में घूम रही है, रोटेशनल मोशन में नहीं घूम रही, ग्राफ ये नहीं बता रहे कि वेलोसिटी रोटेशनल डायरेक्शन में घूम रही, ये तो ग्राफ है, ग्राफ का मतलब रोटेशन के साथ या स्ट्रेट लाइन के साथ कोई लेना देना नहीं, ऐसे निकल जाएगा, ये डजंट रिप्रेजेंट, ठीक है। अब बताइए इज दिस ग्राफ पॉसिबल, सोच के बताओ मुझे, नूर इज दिस ग्राफ पॉसिबल, नूर जी स्पीकर तो ऑन कर लिया करो, नूर इज दिस ग्राफ पॉसिबल, क्या सोच के दिमाग में क्या आ रहा है, यस या नो, जो भी आ रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद कर दूंगा, नो आ रहा है कि यस आ रहा है, टुक्का ही लगा दो, नो, कौन कौन कह रहा है, मीन नो है कि यस है, मीन इसका ग्राफ का आंसर यू नो निकल के आएगा कि यस, नो रीजन, चल अरे सीधा बोलो सर, रीजन तो आपने बोला था आप खुद दोगे, तो मैं ही दे रहा हूं रीजन, टेंशन हो दो। अब आप चेक करो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये टाइम निकल के आ रहा है। अब टी टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे भी है, टी टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे भी है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, अब एक टाइम के ऊपर एक बंदा दो अलग अलग जगह पर नहीं होता, ठीक है, भगवान नहीं है कि हर जगह प्रकट हो जाएगा, ठीक है, एक टाइमिंग के ऊपर
एक पर्सन की या कोई एक ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग पोजीशंस नहीं हो सकती, एक टाइमिंग के ऊपर एक ही पोजीशन निकल के आएगी। और अगर कोई ग्राफ एक टाइम के ऊपर दो या दो से ज्यादा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या दोगे, यही दोगे, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एट टू प्लेसेस एट ए सिंगल टाइम। ठीक है जी, चलिए, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के रिलेटेड डिस्कशन थी, आज वो खत्म हुई। कल हम कुछ और ग्राफ्स के साथ ही चलेंगे, ग्राफ्स का एक और टॉपिक लेके आऊंगा।